ईशावासोपनिषद विषय दृष्टि से बहुत छोटी है, केवल 18 ही मंत्र हैं इसमें, लेकिन तत्व ज्ञान और अर्थ गंभीरी की दृष्टि से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे ऋषियों का बहुत ही बड़ी देन है हमें, उन्होंने हमें गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ तत्वों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और इस उपनिषद के अंदर ईश्वर, जीव और मानव जीवन, प्रकृति, सबसे संबंधित विषयों को विस्तार से समझाया गया है। इसके जो मंत्र हैं वो किसी एक भूभाग से विशेष संबंध नहीं रखते, क्योंकि इनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है। यह उपनिषद और इसके विषय को देख करके ये समुचित जान पड़ता है कि ये सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। इसके प्रथम मंत्र में ही जो उपदेश किया गया है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृहे कस्य स्मृत धनम्। यहाँ हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए इस वेद ज्ञान में ईश्वर के माध्यम से सब मानव को सावधान किया गया है कि हे मानव, तो इस संसार में ईशा भगवान के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का, तेन ईशा, तेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, यह तत् शब्द से बनता है। ईशा ये भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। उस ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्यक्तेन त्याग भाव से भोग कर, क्योंकि भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति रही है, यहाँ लूट की संस्कृति नहीं है। ये इसमें त्याग और उपयोग, भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। मानव अपने जीवन में पुरुषार्थ करके धन को अर्जित भी करता है और उस अर्जित किए हुए धन में से त्याग का भाव अपनाए हुए त्याग भी करता है। तो साथ में कहा गया कि उस ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग भाव से भोग कर। माँ गृध है कश्य स्वित धनम, कश्य किसी भी व्यक्ति का स्वित ना मात्र भी, लेश मात्र भी किसी के धनम, धन का माँ गृध है, हे मानव को लालच मत कर। यहाँ सभी मानव को, इस भूमंडल के प्रत्येक मानव को संबोधित किया गया है कि हे मानव, को किसी के भी धन का, किसी भी वस्तु का, किसी के पदार्थ का ना मात्र भी लालच मत कर। ये ऐसी भावना तो मन में भी उत्पन्न मत होने दे, अपितु ईश्वर के लिए द्वारा दिए गए पदार्थों को, और जो हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जिनको अर्जित किया है, उन सब पदार्थों को तू त्याग भाव से उनका भोग कर। ऐसा नहीं कि जैसा मन में सोचते उसको कोई नहीं देख रहा। इसी मंत्र के प्रथम लाइन में वर्णन किया गया है कि यत किंच जगत्याम, जगत्याम इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, यत किंच, यत मैंने जो, किंच मैंने कुछ भी, जो कुछ भी, जगत मैंने जड़ और चेतन पदार्थ, इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, इदम सर्वम, वो सब के सब ईशावास्यम भगवान के द्वारा व्याप्त है। अर्थात वो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए जैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वो सब चीजों को देखता है। तो इस भाव को मन में विचार करते हुए कि वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वो प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम किसी के भी धन का मन से, वचन से और कर्म तो बड़ी दूर की बात है, लालच करने का अपने मन में भी विचार न करें। अगर ऐसा, क्योंकि वेद का जो उपदेश है ये जब से सृष्टि बनी थी तब से लेके आज तक, ऐसे तब भी वैसा ही प्रासंगिक था और आज भी वैसा ही प्रासंगिक है। अगर आज हम इस वेद के इस मंत्र का जो सार गर्भित उपदेश दिया गया है, इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लें या प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में इसको चरितार्थ कर लें, तो आज जो ये भ्रष्टाचारी की, बेईमानी की जो समस्या, ये समस्या कहीं भी नहीं रहेगी। क्योंकि वेद मंत्र सीधा कहता है कि कश्य, कश्य मैंने किसी भी, अर्थात संसार के किसी भी प्राणी के लिए, यहाँ कोई मत संप्रदाय आड़े नहीं आता है, प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है कि तू किसी के भी धन का लालच मत कर। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है
कि ये जो वेद मंत्र में उपदेश दिया गया है, इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन में चरितार्थ करने का श्रम करें। और जब हमारे मन में भावना ऐसी हो जाएगी कि हमने किसी के प्राय धन को मिट्टी के समान मान करके इसको देखना भी नहीं, पंचतंत्र में कहा है कि पर द्रव्य सुलोष्टवत, कि प्राय की वस्तु को, प्राय पदार्थ को हम लोष्ट, जैसे मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी के ढेले की हमारे लिए कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार हमारे लिए प्राय जो धन है वो मिट्टी के ढेले के समान होगा। तो हमारे मन में भी ऐसा भाव नहीं आएगा, क्योंकि वेद मंत्र ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो इसी चीज पर दिया है कि सबसे पहले व्यक्ति मन से विचार करता है। जब हमारी भावनाएं ऐसी नहीं होगी, हमारे विचार ही ऐसे नहीं होंगे कि हम दूसरे की वस्तु की ओर देखें, तब हम उसको उठाने का या उसको लेने का अपने मन में विचार ही नहीं ला सकते। तो हम इस वेद मंत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करने की का श्रम करें और अपने जीवन में इसको अपनाएं, तब हम भी राष्ट्र के सच्चे जो राष्ट्रभक्त होते हैं उस भूमिका को अपने को अदा कर सकते हैं। और वेद के मंत्र का, वेद के उपदेश का भी, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें संदेश है, उस संदेश का भी हम पालन करें, स्वयं भी करें, और हमारी कोशिश हो कि हम दूसरों से भी इस वेद मंत्र के पालन का प्रयास करें। धन्यवाद।